सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन घोष फिर से प्रेजेंट हो गया। फ्रेंड्स, जो हमने अभी वीडियो बनाई थी, अभी कल एक वीडियो अपलोड किया था EDM मॉल में जो काइट फ्लाइंग फेस्टिवल होने जा रहा है उसके ऊपर, तो फ्रेंड्स उसमें कुछ लोग कन्फ्यूज़ हैं, काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कन्फ्यूज़ है। वो सोच रहे हैं कि शायद उस मॉल में जाने के लिए, जो EDM मॉल में काइट फ्लाइंग फेस्टिवल होगा, उसमें जाने के लिए आप लोगों को शायद टिकट वगैरह लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बहुत बहुत क्लियरली बताता हूँ कि उसमें कोई टिकट नहीं है, फ्री फॉर ऑल, सब जा सकते हैं, सब, कोई भी आओ, कोई भी जाओ। फ्रेंड्स, उसमें कोई भी टिकट वगैरह नहीं है, ये मैंने सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दिया। अब तो फ्रेंड्स, EDM मॉल है कहाँ पे? तो फ्रेंड्स, ये देखिए EDM मॉल जो है, इसका थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन वगैरह मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, ईस्ट दिल्ली में है और ये कौशाम्बी में है। और ये जो है आपका, इसमें जाने का जो सबसे बढ़िया जो तरीका है, आप आनंद विहार मेट्रो स्टेशन जो है उसमें जाइए मेट्रो से। और मैं कैसे गया था मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं गया था अपनी गाड़ी लेकर के राजीव चौक तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था उस दिन जब मैं गया था वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। मैं गया था राजीव चौक, फिर राजीव चौक से मैंने क्या किया, मेट्रो ली, और मेट्रो लेकर के फिर क्या किया मैंने, और जो आनंद विहार जो आपका टर्मिनल है वहाँ पे उतर गया। फिर वहाँ से मैंने ई रिक्शा लिया और ई रिक्शा वाले ने 30 रुपये लिए और मेरे को एकदम मॉल तक लेकर के गया और वहाँ पे पहुँचाया। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लोग मेट्रो से पहुँचिए, क्योंकि रोड में काफ़ी आजकल ट्रैफिक रहता है और 15 अगस्त का टाइम है, ऐसे भी ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो आप लोग जो है मेट्रो से जाइए, और अगर आप अपने गाड़ी से जा रहे हैं तो उसके लिए तो आप लोग गूगल मैप में सारा सर्च कर ही लेंगे, और स्कूटर मोटरसाइकिल वाले भी जो है गूगल मैप का ही आजकल ज़्यादातर सहारा लेते हैं। और अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो सबसे अच्छा रहेगा, मेरे को तो सबसे अच्छा मेट्रो लगा, सुंदर, सस्ता और बहुत ही बढ़िया, एसी का ठंडा ठंडा हवा खाते हुए जाओ। मैं तो सिर्फ 40 रुपया जाना, 40 रुपये वापस आना, और 30-60 रुपया जो है मेरा ई रिक्शे वाले का लगा था, यानी मैं 140 रुपीज़ पर वहाँ पर पहुँच गया और बहुत इंजॉय किया मैंने। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक काइट फ्लाइंग फेस्टिवल किया जाएगा। तो इसके अंदर क्या है कि छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे काफ़ी, और बड़े भी आएंगे, सभी लोग आएंगे, सभी लोग इनवाइटेड है, कोई टिकट वगैरह नहीं है, तो इसलिए खुल करके जियो, खुल करके मजे लो, ऐसी ही बात है वहाँ पे। फ्रेंड्स, एक बात आपको बताऊँ कि EDM मॉल वालों ने कुछ गिव अवे का भी वहाँ पे प्रोग्राम रखा है, और वो गिव अवे क्या है वो मेरे को नहीं मालूम, ये तो उन्हीं लोगों को मालूम है, ये सीक्रेट है। लेकिन इतना मेरे को पता चला है कि वो कुछ पतंग वगैरह और पतंग का बैग और पतंग से ही रिलेटेड चीज़ देंगे आप लोगों को, और अच्छी क्वालिटी की देंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छी जगह से पतंगें वगैरह मंगवाई है। तो इसलिए फ्रेंड्स, उस कॉन्टेस्ट में आप लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से वहाँ पे कोई कॉन्टेस्ट वगैरह होगा, जो विनर होगा उसको दे दिया जाएगा, और एक दो नहीं कई सारे विनर चुनेंगे वो लोग। तो इसके बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं पता, इसके बारे में तो पता तभी चलेगा जब आप लोग जो है आप लोग 12 तारीख और 13 तारीख को जो है वहाँ पर पहुँचेंगे। और इसकी टाइमिंग जो रखी गई है, शाम को 5:30 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक, यानी 12 तारीख यानी सैटरडे और 13 तारीख संडे, बहुत अच्छा वहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएंगे ये लोग, और योगा वगैरह का भी वहाँ पे प्रोग्राम होगा और डांस वगैरह का भी है। इवन आप लोग जो है वहाँ पे मॉल में घूम भी सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, मॉल को भी आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। जिन लोगों ने इस दिल्ली मॉल नहीं देखा उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वहाँ पे विजिट करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोग मॉल को भी बहुत अच्छा तरीके से इन्जॉय कर सकते हैं, और वहाँ पर जो आपका गिव अवे का प्रोग्राम होगा और जो कॉन्टेस्ट होगा उसमें आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका है मेट्रो। मेट्रो, जी हाँ, आनंद विहार मेट्रो जो टर्मिनल है वहाँ पे आप उतर जाइए और वहाँ से ई रिक्शा लेकर के EDM मॉल पहुँचिए। तो फ्रेंड्स, चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं भी वहाँ पे रहूँगा, दोनों दिन ही मैं जाऊँगा और वहाँ पे देखता हूँ। और हाँ, आपको एक बात और भी बता देता हूँ कि वहाँ पे कोई काइट फाइटिंग का जो है प्रोग्राम नहीं है, पतंग लड़ाया नहीं जाएगा, शायद पतंग उड़ा करके दिखाया जाएगा, जैसे फैंसी काइट्स होते हैं वो सब उड़ाया जाएगा, लेकिन कोई काइट फाइटिंग का प्रोग्राम नहीं है। तो इसलिए आप लोग अपने साथ पतंग मांझा ये सब मत लेकर के आइएगा, आप लोग कहीं सोचे कि वहाँ पे जाकर के पतंग लड़ाने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिंपल एक फेस्टिवल है, वो बहुत अच्छी तरह से लोग इसको एंजॉय करेंगे, और काइट फाइटिंग नहीं होगी वहाँ पे, किसी भी किस्म की काइट फाइटिंग नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लाइट सोमेन घोष। बहुत जल्दी अगली वीडियो मिलती है, तब तक के लिए बाय।